स्टूडेंट, आप सब लोग के हमार चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। समान हिंदी टॉप 30 क्वेश्चन, काहे सॉन्ग बजा रहे हो भाई? कौन तो गाना बजा रहा है? चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आ चुका है। ये लड़की देखिए खूबसूरत भी है और नर्स में ज्वाइनिंग कर लिया, ढेर सारे रुपया छाप रही है, 30-40 हज़ार रुपया कमा रही है। अगर आपका भी सपना है तो सपना खाली रहेगा कि सच भी करेगा भाई? करेगा ना। तो चलिए क्लास को अंत तक करिए, वो सीक्रेट देंगे। सिलेक्शन तो कोई बाप के भी बाप नहीं रोकेगा इस वर्ष, अगर वीडियो को अंत तक देख लिए तो। हम बीच में वो सीक्रेट टिप्स देंगे कि लड़की आखिर कैसे सिलेक्शन की है, हमारे नोट्स को इन्होंने खरीदा और सिलेक्शन किया, आप भी खरीदना है, कैसे खरीदेंगे क्लास करिए ना। पहले समझाते हैं कैसे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन छीना जाता है, सिलेक्शन होता नहीं है, छीना जाता है। चलिए इस वर्ष हम लोग सिलेक्शन छीनेंगे। पहला क्वेश्चन है, सुमन को यह नहीं ये वाला हो चुका है, आगे बढ़ेंगे। इसमें 30 प्रश्न हो गया था, चलिए यहाँ से होगा, देख ले रहा हूँ भाई। हाँ, सेठ का स्त्रीलिंग है, कॉल आ गया किसी का, उठा लेते, पैसा के बात है भाई, उठा लेते। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। ठीक है भेज दीजिए, अभी मैं क्लास में हूँ, 10 मिनट के बाद भेजूंगा, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है भेज दीजिएगा, और क्लास भी बता दीजिएगा। हेलो क्लास बता दीजिएगा। ठीक है तो वहीं पे बताइएगा। ओके ठीक है भेज देंगे। नॉन हिंदी का भी चाहिए, देखिए कितना बवाल बवाल हो गया नोट्स के लिए, और आप लोग नोट्स नहीं ले रहे हैं, पूरे बिहार में बवाल है। नोट्स खरीदाना पड़ेगा भाई, नोट्स खरीदना पड़ेगा, पूरा बवाल हो चुका है नोट्स पर। चलिए, सेठ का स्त्रीलिंग है, सेठ का, बोलिए सेठ का सेठाइन होगा, बोलते ना का सेठाइन, सेठ जी दूसरा पर ध्यान देते हैं, समझ गया समझदार लोग, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। सेठानी होगा, सेठाइन कितना मार दिया, सेठानी होगा रे गधा, सेठाइन नहीं होगा। हम समझ रहे थे कि आप लोग सेठाइन किए होंगे, सेठानी होगा, बोलते हैं ना सेठ, तो सेठ के हो जाएगा सेठानी स्त्रीलिंग। गजब भाई यार, आप लोग को गलती करवा दिए ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, स्त्रीलिंग रूप आता है आपके परीक्षा में, आता है पुरुष स्त्रीलिंग रूप। जैसे देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप का, किस प्रकार का क्वेश्चन पैरामेडिकल में आ रहा है। चलिए, कवर्ग का उच्चारण मुंह से किस भाग से होता है, बोलिए ना। देखिए बोलते हैं क ख ग घ, किस वर्ग की, कहां से हुआ, मुंह के किस भाग से हुआ, कंठ से निकल रहा है, और एक गधा कंठ से, बोलिए ना, क कंठ से निकल रहा है, ख कंठ से निकल रहा है, ग घ सब कंठे से निकल रहा है, इसलिए कंठ से। चलिए आगे बढ़ेंगे, पेमेंट आ चुका है, चलिए बहुत ही खुशी होता है जब पेमेंट आता है, आप लोग भी पेमेंट करो भाई, बहुत खुशी होती है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग है, परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब आगे लगा रहता है, उपसर्ग मतलब आगे, परामर्श में परा परा परामर्श, परा आगे लगल है ना भैया, उपसर्ग इतना कोई आसान व्याकरण होता है। चलिए, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है, यह कौन सा वाक्य है? देखो प्रश्न पूछ रहा है, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है, यह कौन सा वाक्य है? सही जवाब ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं नोट्स ले लीजिएगा, 99 रुपया पेमेंट करके, पारा मेडिकल के सब विषय के नोट्स, तहस वाला नहस वाला नोट्स, एकदम सिलेक्शन करवा देगा ये नोट्स आपको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहेगा, थियोरी भी रहेगा, 99 रुपया लगेगा, आपका सिलेक्शन होगा, 99 रुपया आप 100 एक घंटा में कमा लीजिएगा, 1 घंटा में 4 गो सुई ढोक के कमा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है, फिर का कोई के कॉल आ रहा है भाई, साइलेंट में कर दिया हमने, आएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, पढ़े हो ना भाई, कर्ता कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो तो फिर पता होगा,
अपादन, अपादन से बोलते हैं ना, अपादन से अपादन से। चलिए इतना आसान कर देंगे ना भाई, सिलेक्शन छीना जाएगा इस वर्ष अगर आप लोगों ने हमारे साथ बना रहा तो। चलिए सितारा देवी, ओए सितारा देवी वीणा वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? वाच्य पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ाया है इसके लिए सॉरी, पढ़ा दूंगा। वाच्य कर्तव्य वाच्य है। चलिए ठीक है, अपराहन का सही अर्थ है, अपराहन का सही अर्थ है, सही अर्थ होगा दोपहर के बाद का समय, कहते हैं ना अपराहन मतलब दोपहर के बाद का समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न। सर एगो सॉन्ग सुना दीजिए। अच्छा सॉन्ग सुनिएगा, सुना देते हैं। कौन वाला भाई? जब लगावे लू तू लिपस्टिक, बिल्कुल जब लगावे लू तू लिपस्टिक तो हिल जाला पूरा डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा कम लगावा लिपस्टिक न तो ठोर हो जाए तोहर खराब। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, समझिएगा कायदा शब्द है, समझिएगा रसगुल्ला, कायदा शब्द है हिंदी का, संस्कृत का, फारसी का, अरबी का। चलिए सुनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बोल दिए ना सॉन्ग सुनाएंगे तो सुनाएंगे, जुबिन भाई वाला सुनाएंगे है ना, दिल चाहते हो या जा चाहते हो ये वाला सॉन्ग सुनाएंगे। चलिए बताइए कायदा शब्द है, सही जवाब ऑप्शन डी अरबी का, अरबी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी है, अपनापन नहीं कहते, अपनापन जैसा लगता है आपसे मिलने के बाद। बताइए सही जवाब सर्वनाम से। चलिए देवासुर में समास है, देवासुर में समास है, सही जवाब द्रिंद समास, समास पढ़ा दिए हैं। उदयचल का सही विलोम है, विलोम शब्द भी पढ़ा दिए हैं। करीब करीब हम सब करीब करीब हम सब पढ़ा दिए हैं व्याकरण में है ना, रसगुल्ला जो रेगुलर पढ़ा है, पीडीएफ दिए ना भाई, यानी पढ़ाए ना, याद करवाए ना, थ्योरी दिए थे ना उसमें। चलिए उदयाचल का सही विलोम मतलब अस्ताचल हो जाएगा, उदयचल का मतलब होता है उदय, कोई चीज उदय हो रहा है, कहते हैं ना सूर्य उदय हो रहा है यानी सूर्य निकल रहा है, अब बोलते हैं सूर्य अस्त हो रहा है यानी अस्ताचल, उदयचल का अस्ताचल सीधा मतलब। चलिए नेक्स्ट, वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? वह बताइए कौन सा सर्वनाम है, बता दीजिए रसगुल्ला, सही जवाब डी पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए नए लोग जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, जो भी नया नया रसगुल्ला जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग बहुत प्यार सपोर्ट बनाए हैं इस चैनल पे भी, राठौर एजुकेशन पॉइंट वाले पे भी, तबाही होगा तहस नहस कर देंगे, बस कुछ दिनों का इंतजार है फिर कानों में शोर आएगा, हम तहस नहस करेंगे फिर पूरे बिहार में बवाल होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न, बवाल बिल्कुल करेंगे इस वर्ष, बवाल नहीं होगा तो नाम बदल देना, बिल्कुल बवाल तहस नहस कर देंगे। 13 नंबर प्रश्न, सिलेक्शन का मतलब राठौर एजुकेशन पॉइंट। चलिए 13 नंबर प्रश्न, जब प्रथम शब्द संख्यावाचक है, समझते हैं ना संख्यावाचक पढ़वे की है, बचपने से पढ़ते आए हैं, जब प्रथम शब्द थोड़ी कसकस के बोल रहे यार फिर बड़ा दर्द देगा बाद में, वो तो बाद में बुझाएगा है ना, पढ़ाईला के बाद बुझाता है कि कितना देरी से क्लास ले रहे हैं लगातार। चलिए जब प्रथम शब्द धीरे धीरे बोलते हैं संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उस समास को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिग्गु समास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं ना भाई, गर्मी के भी मौसम है। चलिए चंद्रमौली में कौन सा समास है? याद रखिएगा बीबी। चलिए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सदैव सद में कौन सी संधि है, बता दीजिए। 15 नंबर प्रश्न है, अरे बाप रे बाप, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? जो भी भाई बहन अपना सिलेक्शन चाहिए नोट्स खरीदिए, चलिए नोट्स पे देख सकते हैं महाधमाका ऑफर चल रहा है, 99 रुपया में सब विषय के नोट्स लीजिए, सफलता की गारंटी लीजिए, हमारे नोट्स से सिर्फ सिलेक्शन होती है। पढ़ाई करिए, अध्ययन करिए, बढ़िया से पढ़िए, टेस्ट सीरीज को लगाइए, टेस्ट सीरीज में पूरा बवाल है भाई, इस वर्ष पूरा बवाल तहस नहस कर देंगे, 90 प्रश्न टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज में 60 स्कोर कर लिया यानी बवाल मचाना था या परीक्षा में, इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन सलाम सेट कर दिए हैं टेस्ट सीरीज में। कितना लोग बोलता है सर ऐसा थोड़ी है ना प्रश्न आता है, बाबू हम आपको ऐसा लोहा बना देंगे ना, जब बरसेगा तो अच्छा अच्छा को टपका देगा परीक्षा में। चलिए सदैव शब्द में कौन सी संधि है? संधि पूछ रहा है तो वृद्ध संधि हो जाएगा, हमारा मकसद है सिर्फ सिलेक्शन, सिलेक्शन नहीं तो मतलब पढ़ना बेकार है राठौर एजुकेशन पॉइंट में। चलिए
चरण कमल कौन सा समास है बताइए, सही जवाब है कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी उपमा न हो उसे कहते हैं अनुपम, जिसकी उपमा न हो उसे कहते हैं अनुपम। चलिए एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। ओ भी क्या दिन थे यार, तुम्हें देख कर सारी यादें ताजा हो गई, तुम्हारे गले खनक और आयत की पायल की छनक, पूरा मोहल्ला में गूंज उठा था और हमने दिल लगा भी लिया था, इश्क कर भी लिया था और चांदनी रात में हमने तारों गिन लिया था, बट हम अगला दिन तोहरा घर आके तारा गिन के बताना था, बट तुम्हारा घर में लॉक था, तुम कहीं चला गया था, हम ऐसी ही तारा गिन के अभी तक रख लिया है। ये सब कहा है भाई, बताइए। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, यह हम नहीं थे, ठीक है। अंश का विशेषण क्या होता है बताइए, अंश का विशेषण क्या होता है, क्या होगा अंश का विशेषण? अंश मतलब आशिक, अंश के मतलब आशिक। कहते हैं ना, मेरी आशिकी का इंतकाम देखोगी, मेरा प्यार ठुकरा के मेरा इंतकाम देखेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नवग्रह कौन सा समास है बताइए। बड़ी दिन हो गया भाई गाना गईला, इसलिए इस क्लास में थोड़ा ज्यादा गाना गा रहे हैं। न चैन से जीने देगी, न चैन से मरने देगी, न चैन से जीने देगी, न चैन से मरने देगी, आ चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पर अब हम सबके दुनिया प्यार न करने देगी। चलिए नवग्रह कौन सा समास है बताइए, सही जवाब ऑप्शन डी, दिगु समास। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए इसको भी समझाएंगे, आप भला दुनिया भली में आप का सर्वनाम है। अरे भाई पल ही ना बोले आप, जैसे आप बोल दिया, यानी कि निज कहते ना आप बहुत अच्छी लग रही है, बोले ना ऐसी आप बहुत अच्छी लग रही है, उन चारों से आप बहुत अच्छी लग रही है, मतलब कि हम किसी को पर्सनली बोल रहे हैं तो निजवाचक हो जाएगा, आप बोल रहे हैं किन्हीं एक ही को बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। चलिए ठीक है, निजवाचक हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना बढ़िया ट्रिक सही यार। कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान भरना मतलब समझता है, बिल्कुल शिकायत करना। कहते ना कान भरी थी बेटा, भर ले समय तो हम बताइबो, मतलब कान भरना मतलब शिकायत करना। चलिए आगे बढ़ेंगे, रसगुल्ला पेड़ा बर्फी। मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं? मेघ की तरह गर्जे वाला, कैसे मेघ गरजता है, गरजता ना, मेघ की तरह गरजने वाले को मेघनाथ कहते हैं, ठीक है। चलिए डरिएगा नहीं, निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन सा शब्द है बताइए, निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन सा शब्द है? 23B। चलिए आत्मा, उभयलिंगी है आत्मा, सिलेबस भी बता देंगे, सब कुछ बताएंगे, अब 2-3 दिन क्लास नहीं होगा, तहस नहस होगा, अब बवाल करेंगे, पूरा बवाल होगा, अब पूरा हर जगह पर बवाल करेंगे अब, इसलिए 2-3 दिन क्लास नहीं, पूरा बवाल करेंगे। सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है, टॉपर कैसे बनना है, इतना कम समय में सिलेक्शन कैसे लेना है, बिल्कुल बताएंगे। चलिए 24, दाल भात खाएंगे, मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है बताइए, दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है? चलिए सही अर्थ है बिना मतलब दखल देना। देखिए भाई अब दाल भात खा रहे, समझिएगा दाल भात खा रहे, उसमें अकड़वा करता है, ट्रिक सुकरता है, करता है साला ही में अकड़ पकड़ बना दे, फिर मम्मी के बोलिएगा इसमें अकड़ कैसे निकल गए। तो दाल भात जब आप खाते तो उसमें आकड़ निकलता है, मतलब बिना मतलब के दखल अंदाजी कर देता है यार, हम कितना बढ़िया से दाल भात खा रहे थे है ना, और उसमें अकड़ पकड़ आ गया, अकड़ा जे आता है, तो उसको कहते हैं बिना मतलब के दखल देना है ना, बिना मतलब के दखल दे दिया साला। चलिए 25, मुट्ठी गर्म होता मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी गर्म होता, समझ रहे हैं, मुट्ठी गर्म होता मतलब समझ ना, रिश्वत मिलना। कहते ना मुट्ठी तो खूब गर्म हुआ है जी, बिल्कुल मतलब रिश्वत मिलना। चलिए फिलहाल हम किसी से रिश्वत नहीं लिए है, चलिए मौका मिलेगा तब क्या करेंगे, हम भी लेंगे, क्या लेंगे,
पता नहीं क्या लेंगे। चलिए शब्द शक्तियों की संख्या है, शब्द शक्तियों की संख्या है सही जवाब ऑप्शन बी 3। आगे बढ़ेंगे 27 है, उपमा अलंकार का उदाहरण है, उपमा अलंकार का उदाहरण है सही जवाब चंद्रमुख, याद रखिएगा चंद्रमुख। चलिए नेक्स्ट है 28, गीत गोविंद के रचनाकार हैं, गीत गोविंद के रचनाकार हैं सही जवाब ऑप्शन सी जयदेव, याद रखिएगा गीत गोविंद के रचनाकार है जयदेव। चलिए नेक्स्ट, गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है, गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है सही जवाब है ऑप्शन बी नोबेल, नोबेल नोबेल। गम शब्द किस भाषा का है, गम शब्द किस भाषा का है, हम पूरा स्नान कर चुके हैं गर्मी से, बहुत ही गर्मी लग रहा है, कोई बात नहीं, मेहनत करनी है इतनी खामोशी से कि सफलता भी शोर मचा दे। अरे गर्मी नहीं है भाई, ये पसीना है, पसीना उसी को गर्मी बोलते हैं सर, आप बेवकूफ हो गए हैं। चलिए ठीक है, गम शब्द किस भाषा का है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सी उर्दू, उर्दू कहते ना हमको बहुत गम, एक सॉन्ग भी है कभी खुश कभी गम न जुदा होंगे हम। चलिए हम बिल्कुल आप लोगों से कभी जुदा नहीं होंगे, चलिए आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लिए तो जिंदगी भर जुदा नहीं होने देंगे, इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, जिंदगी भर हम जुदा नहीं होने देंगे अपना चैनल से आप लोगों को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तबाही मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।